तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो मीन्स टिक्कड़ वाली वीडियो में आपको बताया था कि फ्राइडे को मैं आपके साथ में आलू प्याज की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि राजस्थान की बहुत फेमस है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी, और टिक्कड़ के साथ तो इसका परफेक्ट मैच है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने 8-10 आलू ले लिए हैं और जिनमें इस तरह से कट लगा दिए हैं। मैंने ऑलरेडी नमक के पानी में डाल करके रखे हैं, लेकिन आपको दिखाने की वजह से मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें इन आलू को गोद लेना है और नमक के पानी में आधा पौने घंटे के लिए डाल देना है, और इसके बाद में हम मसाला तैयार करेंगे। तब तक ये आलू नमक के पानी में अच्छे से भीग जाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए देखिए, मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है, 4 करीब ये प्याज हैं, और 1 इंच करीब मैंने यहाँ पर लिया है ये अदरक का टुकड़ा। तो तीनों चीज़ों को पीस करके हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। तो इस तरह से कट करके मैं डाल लेती हूँ। दोस्तों, ये जो ट्रेडिशनल सब्जी बनती है ना, वो थोड़ी सी अलग बनती है, लेकिन अब चूंकि हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा हम ऑयल वगैरह का भी ध्यान रखेंगे और टेस्ट का भी ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे हम ये सब्जी, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट में मिलती है ना, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट। तो रेसिपी आप पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप इतनी स्वादिष्ट ये आलू प्याज की सब्जी बना पाएंगे। तो ये देखिए, सारी प्याज मैंने इस तरह से कट करके डाल दी है, और इसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। मेरे घर में तो टिक्कड़ और ये आलू प्याज वाली सब्जी बहुत ही पसंद की जाती है, मीन्स बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो ये देखिए, ये पेस्ट हमने निकाल लिया है, और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 8-10 सूखी लाल मिर्च, और 7-8 करीब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो इसकी जो ग्रेवी बनती है ना, वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनती है, इसलिए हम इसमें 6-7 टमाटर तो ज़रूर डालेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके की आसान और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, ये एकदम फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। और हाँ दोस्तों, इसमें मैंने 10-15 कलियाँ लहसुन की डाली थी, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई, कैमरा मैंने ऑन किया था लेकिन वो ऑन नहीं हुआ था। तो 10-15 कलियाँ आप लहसुन की भी डाल लीजिएगा। आधा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी, 2 चम्मच करीब भर करके मैं यहाँ पर डालूंगी धनिया पाउडर। इससे क्या होता है कि ये जो धनिया है, ये टमाटर के साथ में अच्छे से फूल जाता है, और सब्जी की जो ग्रेवी है ना, वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये देखिए, धनिया पाउडर और हल्दी मैंने डाल करके छोड़ दिया है, इन्हें अब हम रखते हैं साइड में। और ये छोटे साइज की मैंने प्याज ली है, करीब 15-20 प्याज हैं ये, तो आपको जितनी सब्जी बनानी हो उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। इन्हें मैंने छील लिया है, तो इसी साइज की प्याज आपको लेनी है, बड़े साइज की प्याज मत लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो ये देखिए, कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, और इसमें चढ़ा दिया मैंने सरसों का तेल। ये सब्जी जो ट्रेडिशनली बनती है ना, वो तो देसी घी में बनती है, लेकिन अब हम घर पे बना रहे हैं तो हम इसे सरसों के तेल में बनाएंगे, तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें ये आलू डाल दिए हैं, और आलू को अब हम अच्छा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय ही ये आलू लगभग हाफ कुक हो जाएंगे, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे और अच्छा ब्राउन कलर आने देंगे। तो ये देखिए, अच्छा ब्राउन कलर इन पे आ गया। अगर आप थोड़े बड़े साइज के आलू लेते हैं तो उन्हें 2 पीसेस में कट कर लीजिएगा, और छोटे साइज के आलू लेते हैं तो उन्हें आप साबुत डाल दीजिएगा। तो ये देखिए, आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज भी हमें फ्राई करनी है, तभी इस सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्का पिंक कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो दोस्तों, ये सब्जी बनाने में जहाँ जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो सभी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आलू प्याज की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, मेरे कहने से आप एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, हल्का पिंक कलर इन प्याज पर आ गया है, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और इसमें मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करके खाते हैं, तो वो है पनीर। तो यहाँ पर मैं करीब 350-400 ग्राम पनीर ले रही हूँ, और उसे भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी।
बस हल्का सा ही फ्राई करना है हमें पनीर को। पनीर अगर हम ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो वो सख्त हो जाता है, लेकिन अगर हम हल्का फ्राई करते हैं तो पनीर सॉफ्ट होता है। इसलिए बस हल्का सा ही फ्राई करना है हमें, करीब एक मिनट के लिए। तो ये देखिए पनीर हमारा हल्का फ्राई हो चुका है, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। और बस ये जो तेल इस कढ़ाई में है ना, इसी में हम ये सब्जी बनाएंगे। अगर आपको ये तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप इसमें से कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो मसाला तैयार किया है उसके हिसाब से ये तेल परफेक्ट है, तो मैं इसी तेल में सब्जी बनाऊंगी। मैं ये सब्जी 6-7 लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए ये सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट जाएंगी। तो तेल तो ऑलरेडी गर्म है ही, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो प्याज हरी मिर्च वाला पेस्ट हमने तैयार करके रखा है, और इसके बाद में हम इसे अच्छा ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। तो जितना अच्छे से ये मसाला भुना हुआ होगा ना, सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। फ्लेम का भी आप ध्यान रखिएगा कि लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इस मसाले को भूनिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन कलर इस पे आने लगा है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये कुछ कड़ी पत्ते। तो ये सूखे हुए कड़ी पत्ते मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में अब हम इसमें डाल देंगे ये जो टमाटर हमने पीस करके रखे थे, हल्दी और धनिया हमने ऑलरेडी इसमें डाल करके रखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में आपको बताया है कि कभी भी सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसालों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप घर के रेगुलर मसालों से भी टेस्टी खाना बना सकते हैं। बस आपका बनाने का जो तरीका है ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं हम इसमें, और अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन भी निकल जाए। और ये देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भून रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, तो 2 चम्मच करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है और सूखी लाल मिर्च भी डाली है, तो लाल मिर्च हम उसी हिसाब से डालेंगे। 1 चम्मच करीब मैंने यहाँ पर डाली है ये कश्मीरी मिर्च, इससे सब्जी पर कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद जब थोड़ा सा मसाला भून जाए तो हम इसमें डाल देंगे आलू, और आलू डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, और इसके बाद अब हम इसे ढक करके पकाएंगे जब तक कि आलू थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। चला देते हैं, मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी, क्योंकि आलू को पकने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा पानी मैंने और डाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और इसमें एक उबाल आने देंगे और उसके बाद में लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। 2 चम्मच नमक भी डाल देते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, आलू प्याज की भी बना सकते हैं, पनीर पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। तो ये देखिए करीब 5-6 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू कितने पके हैं। जब आलू ऑलमोस्ट 90% तक कुक हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो आलू लगभग पकने ही वाले हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इसके बाद करीब 4-5 मिनट के लिए हम इसे वापस ढक देंगे ताकि प्याज भी अच्छे से पक जाए और जो आलू हल्के से कच्चे हैं वो भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए लगभग 6-7 मिनट हो चुके हैं और आलू और प्याज दोनों चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। बस आप चाहें तो इसी समय पर गैस ऑफ करके इस सब्जी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने इसमें पनीर भी ऐड किया है तो अभी मैं इसमें पनीर भी डालूंगी। प्याज पक चुकी है, आलू पक चुका है, और पनीर को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर के पीस जो हमने हल्का फ्राई करके रखे हैं। इकड़ के साथ में ये सब्जी बहुत ही मज़ेदार लगती है, लेकिन अगर आप इसे पूड़ी पराठा रोटी किसी के साथ भी एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये देखिए पनीर के पीसेस मैंने डाल दिए हैं, चला देते हैं और करीब 3-4 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे। दोस्तों टिक्कड़ की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो भी जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप टिक्कड़ की वीडियो देख सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी सब्जी बन करके तैयार है। अगर आपके पास में हरा धनिया है तो आप इस पे हरा धनिया जरूर डालिए, मेरे पास में अभी हरा धनिया नहीं है। ये लीजिए राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपी तैयार है मेरे अंदाज में, जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।